हाय एवरीवन, फिर से आपका नया और इंटरेस्टिंग वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फोन पे के फ्रॉड जो चल रहा है उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, होता क्या है, अभी हमारे फोन पे यूजर्स के साथ बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है और उन्होंने मुझे बताया है, तो मुझे पता है। इवन मेरे साथ नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन फिर भी मुझे पता है क्योंकि बहुत से लोगों ने बताया है। तो मैं नहीं चाहता किसी के भी साथ ये फ्रॉड हो, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये रिसेंटली अभी फ़ोनपे ने एक फीचर अपडेट किया है जिससे फ़ोनपे पे फ्रॉड होने के चांसेस 0% हो जाते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ वो फीचर्स क्या है और ये फ्रॉड होने से आप कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोनपे खोल के दिखा देता हूँ उसमें क्या कुछ नया है और किस तरीके का वो फीचर्स अपडेट हुआ है। तो ये मैंने अपना फ़ोनपे ओपन कर लिया है। और दोस्तों, वो फीचर्स बताने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करें, क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी मैं आपको कम समय में पूरी ट्रिक्स और जो भी जानकारी है वो आपको कम समय में देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आइए बताता हूँ मैं। दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे होंगे मेरा ये रिक्वेस्ट का फंक्शन आ रहा है। ये अगर आपका फ़ोन पे अपडेट होगा तो ये नहीं आएगा, ठीक है? अगर आ रहा है तो आपको तुरंत ही अपडेट कर लेना है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ ये अपडेट कैसे करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। अगर इन केस नहीं होता तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से हम आते हैं बैक और आपको बताते हैं कहाँ से ये अपडेट होगा। तो मैं इसके लिए अपना प्ले स्टोर खोल लेता हूँ। प्ले स्टोर खोलने पर दोस्तों, यहाँ पर सिंपली आप फ़ोन पे लिखेंगे। तो फ़ोन पे लिखने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पे सबसे ऊपर में ही इसका रिजल्ट दिखेगा। और अगर आपका अपडेट नहीं है तो यहाँ पे अपडेट कर लें। अभी मैं अपडेट करके दिखाता हूँ तो वहाँ पे रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन जो है गायब हो जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ अपडेट और देखता हूँ इसमें कितना टाइम लगता है। तो ये दोस्तों अपडेट हो गया है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये किया मैंने ओपन, तो अब मैं दिखाता हूँ इसका क्या कुछ नया फीचर्स अपडेट हुए हैं। दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे हमारे फ़ोन में जो रिक्वेस्ट वाला फंक्शन था, ऑप्शन था, वो गायब हो गया है। अब इसमें सिर्फ कॉन्टैक्ट टू और टू अकाउंट टू सेल्फ बैलेंस, इतने चार ही फंक्शन आ रहे हैं। वो वाला जो रिक्वेस्ट वाला फंक्शन था वो गायब हो गया है, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट वाला फंक्शन पहले आता था इसी से ही लोगों के फ़ोन से फ्रॉड किया जाता था, क्योंकि वहीं से रिक्वेस्ट भेजते थे दूसरे के फ़ोन में। और आपकी ये जो बेल वाला आइकन है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आता था और आपसे बोला जाता था कि इस रिक्वेस्ट बेल वाले आइकन पे क्लिक करके आपको पैसे रिसीव होने का मैसेज आएगा, उस पे आप चेक कर लें। तो जैसे ही दोस्तों आप उस बेल वाले आइकन पे चेक करते हैं तो सीधा आपके अकाउंट में आप पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड डालने के बाद सीधा पैसा डिडक्ट हो जाता था। तो इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड होता था फोन पे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की मैं बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो लाता रहता हूँ। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट ट्रिक की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।